नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है जीके राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से हम लोग नई एक्सरसाइज के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज ध्यान देना दोस्तों, आज फिर से आपके कुछ बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेंगे और हम लोग उस पर काम करेंगे, सॉल्यूशन किया जाएगा, देखा जाएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक बार फटाफट अपने सवालों को देख लीजिए। जैसे एक सवाल आपके सामने घड़ी का है, उसके बाद से दोस्तों अगर बात की जाए तो अगला सवाल फिर से आपके सामने एक घड़ी का सवाल दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक और सवाल आपके सामने घड़ी का है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से करके हम लोग आगे भी बहुत सारे घड़ी के सवालों पर काम करने वाले हैं। आज एक लाइन से जो टॉपिक हम लोग लेंगे आज की डेट में, ध्यान रखना है आज की डेट के सभी टॉपिक जो हमारे होंगे वो केवल और केवल दो टॉपिकों से हैं। एक रहेगा क्लॉक का टॉपिक और दूसरा रहेगा फिगर काउंटिंग का टॉपिक। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने इन्हीं टॉपिकों पर बातें की थी और इस वीडियो में भी हम लोग इसी पर चलेंगे और इसके बाद जाकर के फिर हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है शुरुआत आज फिर से एक बार घड़ी से ही होगी, इसी से काम किया जाएगा और काम करने के बाद दोस्तों फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टोटल इस तरह से करके आपके पास आज फिर से मैं 11 प्रश्नों के साथ हूँ। एक बार अपने सभी मित्रों को शेयर कर देना है और क्लास को कंटिन्यू कर दिया जाएगा तुरंत, बिना कोई समय गंवाए हुए। ठीक है दोस्तों, बिना कोई टाइम गंवाए हुए फटाफट आज के अपने सवालों पे काम किया जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो आपके सामने है। अगर बात की जाए इस प्रश्न की तो प्रश्न क्या है देख लीजिए ध्यान से इसको। ये कह रहा है 5:30 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। ध्यान रखना बेटा, टाइमिंग आपको दी गई है कितनी, 5:30 का समय है। ठीक है ना, मैं यहां लिख लेता हूं 5:30, ये समय दिया हुआ है। इस समय पर आपको घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। आपके ऑप्शंस हैं 20, ठीक है, 15, 25 और 30, ये आपके ऑप्शंस हैं जिस पर आपको काम करना है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने पिछली क्लास में भी वीडियो में आपको बताया था, एक फॉर्मूला दिया था कि जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो आपको क्या करना है। तो ध्यान रखना बेटा, एंगल का फॉर्मूला होता है घड़ी का, मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया है, 60 × h, ठीक है, डिफरेंस 11 × m और बाई 2। अगर आवाज धीमे जा रही हो तो ईयरफोन का यूज करिए, आवाज आपको क्लियर मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हो गया एंगल निकालने का फॉर्मूला जो हम लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इस सवाल में एंगल पे काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एंगल निकालने के लिए करना क्या है, ठीक है, एंगल निकालने के लिए क्या किया जाएगा वो मैं आपको यहां दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर देखा जाए तो फॉर्मूला हम लोगों के सामने लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न में से यच निकालिए, तो देखिए यच कितना दिया हुआ है, यच की वैल्यू है 5। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मिनट की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो देखिए 30 दिया हुआ है। दोनों वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। यानी कहा जाए अगर दोस्तों तो 60 × 5 डिफरेंस 11 × 30 है ना, और टोटल के डिवाइड 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे अपना आंसर हम लोग को तुरंत मिल जाएगा। जैसे देखिए अब ये हो जाएगा, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 300 डिफरेंस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 330 है ना, टोटल का 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद इसका अंतर निकाल लिया जाए तो इनका अंतर आएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा 15। यही आपका आंसर है, 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री हमारा सही आंसर है दोस्तों। जितने बच्चों ने ये कहा है 15 डिग्री, या जितने बच्चों का आंसर इतना आ रहा है, आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा 15 डिग्री ही हमारा सही आंसर होगा। यानी कि अगर ऑप्शन की बात की जाए तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन 15 डिग्री को दिखा रहा है, जरा चेक करते हैं एक बार। तो देखिए आपके सामने सवाल पर ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए,
बी देखिए 15 डिग्री के साथ है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो देखिए बी जो है वो 15 डिग्री के साथ में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और यही हम लोग का चूंकि आंसर आया है तो इसीलिए हम लोग कहेंगे सर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 डिग्री, यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने बच्चे पहली बार घड़ी का सवाल देख रहे हैं या एंगल का सवाल देख रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी इस फॉर्मूले का जिक्र किया था कि फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 60 मल्टीप्लाई बाई एच, है ना दोस्तों। अभी कहीं जाना नहीं है, अभी लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज फिर से कराऊंगा, जैसे मैं हर वीडियो में लास्ट में 2-3 सवाल की एक्सरसाइज देता हूं, वैसे आज की वीडियो में भी आपको मैं लास्ट में 2-3 सवाल एक्सरसाइज के जरूर दूंगा, इसलिए पूरी वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा और नोट करते चलिएगा दोस्तों। तो देखिए ये फॉर्मूला है घड़ी के एंगल का, जितने बच्चों को आज पहली बार देख रहे हैं आप लोग, जो पहली बार आज सवाल को लगा रहे हैं वो इसको नोट कर ले, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा घड़ी में एंगल पे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ा जाएगा बिना टाइम गवाए हुए, फटाफट हम लोग दूसरे सवाल पर आएंगे, ठीक है, हम लोग दूसरे सवाल पर आएंगे और उस पर काम किया जाएगा। जैसे देखिए दूसरा प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए बिना समय गवाए हुए फटाफट हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए दोस्तों ये रहा हम लोगों का दूसरा प्रश्न। और अगर इसकी बात की जाए तो ये प्रश्न क्या है देख लो एक बार ध्यान से, ये प्रश्न कह रहा है एक घड़ी सुबह 10 बजे 4 मिनट पीछे थी। ध्यान से देखो बेटा, सुबह के 10 बजे 4 मिनट पीछे है, ध्यान से देखिए सुबह के 10 बजे 4 मिनट पीछे थी, पुनः देखिए फिर से रात्रि के 9 बजे, यानी जब इस बंदे ने रात में देखा, ठीक है, तो देखने पर पता चला कि वह घड़ी ध्यान से देखिए 7 मिनट तेज हो गई है। एकदम देखिए सवाल को ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि एक घड़ी है जो कि सुबह के 10 बजे 4 मिनट पीछे थी, ठीक है ना, सुबह के 10 बजे ये घड़ी 4 मिनट स्लो थी और जब रात्रि में देखा गया कै बजे 9 बजे, तो पता चल रहा है कि वह घड़ी 7 मिनट क्या हो गई है बेटा, तेज हो गई। तो बताना है कि उस घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा, यही आपका प्रश्न है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जरा जल्दी से इसको सॉल्व किया जाएगा बिना समय गवाए हुए। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक सिंपलेस्ट तरीका दिखा रहा हूं कैसे करते हैं बिना लंबी चौड़ी थियरी के, क्योंकि जब आप इसको बुक में देखोगे ना तो बुक में ये सवाल काफी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग में है, उतना लंबा सवाल देख के ही बच्चा छोड़ देगा, उसको सॉल्व ही नहीं करता है। और मैं आपको इसी तरह के सवालों को शॉर्ट में कैसे करते हैं वो दिखाने चल रहा हूं इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कैसे किया जाता है दोस्तों। जैसे इसने बोला है एक घड़ी सुबह 10 बजे, तो मैं बस लिख, देखिए जो जो बोल रहा है मैं वही लिखूंगा, सुबह 10 बजे, ठीक है भैया। सुबह 10 बजे ये घड़ी क्या थी भैया, देखिए ये घड़ी 4 मिनट पीछे थी भाई, क्लियर है ना, 4 मिनट पीछे थी, यानी कि सुबह के 10 बजे ये घड़ी 4 मिनट स्लो है। देखिए स्लो के लिए मैं ये वाला निशान यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला गया रात्रि के 9 बजे, तो रात्रि के 9 को कैसे दिखाते हैं बेटा, आप सब जानते होंगे, इतना आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगी जरूर कि रात्रि के 9 बजे को दिखाते हैं 9 PM, तो रात्रि के 9 बजे देखने पर पता चला कि वह घड़ी 7 मिनट क्या हो गई है, देखिए तेज हो गई है, कहने का सेंस 7 मिनट तेज हो गई। देखिए मैंने सवाल को यहां नोट कर लिया है और बताना है कि इसी बीच में घड़ी क्या समय दिखाएगी। देखिए सवाल आपके सामने आ गया कि सुबह के 10 बजे 4 मिनट स्लो है, रात्रि के 9 बजे 7 मिनट फास्ट है, बताना है ये घड़ी ने कब सही समय दिखाया। तो ध्यान देना बेटा, जब इस तरह से चार्ट बनाते हैं तो ये आवर का हिस्सा है, देखिए ये जो हमारा हिस्सा है ये आवर का हिस्सा है, ठीक है ना, और ये वाला जो हिस्सा है वो मिनट का हिस्सा है, ठीक है बेटा। तो क्या करना है देख लो, समझ लो इसको फटाफट बिना समय गवाए हुए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आवर का डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर निकालिए, अंतर का मतलब दोनों के बीच में कितने देर का अंतर है, कितने घंटों का अंतर है। तो ध्यान से देखो बेटा, सुबह 10 से रात के 9,
तो सुबह 10 से रात के 9 का मतलब कितने घंटे हो गए, तो आप लोग जानते हैं अच्छे से 11 घंटे, क्योंकि सुबह 10 से रात के 10 12 घंटे होते हैं, और ये उससे चूंकि एक घंटा पहले है तो 12 की जगह 11 घंटे। और मिनट को क्या कर लेना, जोड़ लेना, ये ध्यान रखना, आवर का डिफरेंस निकालते हैं और मिनट को जोड़ते हैं, ये दो चीजें याद रखिएगा। इस तरह से लिखने के बाद में आवर का डिफरेंस और मिनट को जोड़ देते हैं, तो इसको जब जोड़ देंगे आप तो ये कितना हो गया, 11 मिनट। अब देखिए, दिखाने के लिए जो निशान यहां लगा होगा वही निशान यहां आएगा, तो चूंकि यहां ऊपर का निशान है तो यहां भी ऊपर होगा, अगर यहीं पर नीचे का निशान होता तो यहां नीचे का निशान आता। कहने का सेंस ये हो गया, आपने ये चार्ट बना लिया फटाफट, बिना देखिए, बिना समय गंवाए, ये लड़का डायरेक्ट बना सकता है, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, आप मौखिक लगा सकते थे कि मिनट मिनट जोड़ लेते और आवर का डिफरेंस निकाल लेते, ये काम मौखिक हो सकता था। इसके बाद क्या करोगे, वही ट्रिक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये मजेदार होगा। देखिए अगर आप बुक में देखेंगे तो यहां बहुत लंबी चौड़ी थियरी होती है, ये काम डायरेक्ट कैसे होगा ये देखिए जरा, इसका एक फॉर्मूला है, देखिए TH अपॉन TM इनटू फर्स्ट मिनट, ये फॉर्मूला है। जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो इसको फटाफट नोट कर लेंगे, TH अपॉन TM, TH का मतलब टोटल आवर, ध्यान रखना TH का मतलब टोटल आवर और TM का मतलब टोटल मिनट, ध्यान रखना बेटा, बस इसके नाम से ही इसको हम लोग जानेंगे। देखिए यहां पर TH जो लिखा है, TH का मतलब है टोटल आवर, ठीक है, और TM का मतलब है टोटल मिनट, ये ध्यान रखना है बेटा। तो देखिए ये हो गया, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये है TH, ठीक है, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये है TM, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये TM हो गया। तो देखिए ये टोटल आवर, ये टोटल मिनट, उठा के रख दो फॉर्मूले में और सॉल्व कर दो। तो देखो बेटा TH का मतलब हो जाएगा 11 आवर बटे 11 मिनट इनटू, देखिए फर्स्ट मिनट, फर्स्ट मिनट का मतलब मिनट में पहला मान, तो देखिए ये रहा मिनट का फर्स्ट मिनट, फर्स्ट मिनट कितना है 4 मिनट, तो वो यहां आ जाएगा 4 मिनट। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, कुछ नहीं करना, केवल सिंप्लीफाई करना है। तो देखो दोस्तों मिनट से मिनट कैंसिल, ठीक है, 11 से 11 कैंसिल, बचा कितना 4 घंटे, यानी ये क्या बता रहा है जान रहे हो, कि आपकी घड़ी ने 4 घंटे बाद सही समय दिखाया है, ये बता रहा है कि 4 घंटे बाद, तो ये 4 घंटा आया इसको उठाओ और 10 में जोड़ दो, क्योंकि 4 घंटा कब से लगा है, तो जब से आप घड़ी देख रहे थे, तो घड़ी आपने देखना कै बजे शुरू किया है, 10 बजे से, तो 10 बजे से 4 घंटे बाद ये घड़ी सही समय दिखाएगी। कहने का सेंस 10 में 4 जोड़ दीजिए, तो 10 में जब 4 जोड़ेंगे तो 10 में जब 4 जोड़ा जाएगा तो सुबह के 10 से 4 बजे तक, यानी कि दोपहर के 2 बजे तक, देखिए क्योंकि 10 AM है ना ये, तो AM में 4 घंटे जोड़ोगे तो 2 PM हो जाएगा, ध्यान देना बेटा यहां 2 दिया है, देखिए 2 दिया है, लेकिन ये किसके साथ है, AM के साथ है, इसलिए ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है, तो देखो दोस्तों सही ऑप्शन हम लोगों के सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 PM, यही हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए 4 घंटे बाद ये घड़ी ने सही समय दिखाया है, तो 4 घंटा उठा के हमने 10 बजे में जोड़ दिया, तो भैया सुबह के 10 बजे से 4 घंटे बाद यानी कै बजे, 2 बजे, और यही आपका सही आंसर है कि 2 PM पर इस घड़ी ने क्या किया है, बिल्कुल सही समय दिखाया है, यही हम लोगों का करेक्ट आंसर है। बात समझ आ गई अच्छे से, ध्यान रखना इस बात को, कुछ नहीं किया गया, मैंने क्या किया है बस समझ लीजिए, सवाल को पढ़ के मैंने यहां नोट कर दिया, सवाल क्या क्या था तो देखिए एक बार, सवाल क्या था, देखिए आपके सामने दिख रहा है सवाल, मैं दिखाता हूं आपको हमने क्या किया। देखिए सबसे पहला काम बोला था सुबह के 10 बजे, देखा जाए अगर ध्यान से दोस्तों, तो सुबह के 10 बजे बोला गया था, तो मैंने बस उसी की बातों को लिख दिया। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं समझाने के लिए, ध्यान से समझ लेना बेटा इसको, कि देखिए सुबह के 10 बजे, ठीक है,
ये घड़ी 4 मिनट पीछे थी। तो मैंने देखिए लिखा है सुबह के 10 यानी कि 10 एएम 4 मिनट स्लो, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर बोला गया पुनः रात्रि में यहां 9 बजे है, ठीक है ना। देखिए मैं दिखा देता हूं, पुनः रात्रि में 9 बजे, देखिए पुनः रात्रि में 9 बजे, ठीक है ना, रात्रि के 9 बजे। तो देखिए 9 PM यहां लिखा है, 9 बजे। देखने पर पता चला कि वह घड़ी 7 मिनट तेज है, तो 7 मिनट तेज यहां देखिए दिखा दिया गया। इसके बाद क्या किया मैंने, ध्यान देना बेटा, ये हमारा फॉर्मूला था। देखिए फॉर्मूला यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए मैं थोड़ा सा साफ कर दूं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए ये रहा हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था ये देखिए, फॉर्मूला ये रहा TH अपॉन TM इनटू फर्स्ट मिनट। तो TH का मतलब था टोटल आवर, टोटल आवर यहां कितना है 11 घंटे, ठीक है, टोटल मिनट, तो टोटल मिनट कितने हो गए 11 मिनट। उसके बाद फर्स्ट मिनट, तो फर्स्ट मिनट कितना था 4, उठा करके फॉर्मूले में रख दिया। देखिए सॉल्व किया तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, और यहां देखिए आवर, तो ये हो गए 4 घंटे। अब ये जो 4 घंटे आते हैं, ध्यान रखना इस तरह के सवालों में, इनको उठा के पहले वाले आवर में जोड़ दिया जाता है। आवर में यहां पर जो पहला होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए सुबह के 10 बजे हैं, उसमें 4 घंटे जोड़ दो तो 10 AM प्लस 4 घंटे बराबर 2 PM, यही हमारा सही आंसर है जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। देख लीजिए एक बार फिर से, देखिए ऑप्शन नंबर 1, मैं अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये बातें अब समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखिए एक बार देख लीजिए ऑप्शन को अपने, फटाफट जल्दी से ऑप्शन मिला लिया जाए। तो देखिए दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है वो यहां पर है, देखिए ये रहा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या दिया है 2 PM, और हमारा आंसर भी क्या था 2 PM ही तो था, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ये था हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब। दोस्तों आगे बढ़ेंगे बिना टाइम गंवाए हुए, अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है, देख लीजिए मैं जूम कर दे रहा हूं इसको, ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यह भी एक घड़ी का सवाल है, देखिए ध्यान से, यह भी एक घड़ी का सवाल है जो बोल रहा है कि एक घड़ी को 22 बार बजने में, ध्यान रखना, एक घड़ी को 22 बार बजने में, ठीक है, कितना समय लग रहा है भाई, तो चेक करिए जरा। तो इस घड़ी को समय जो लग रहा है, देखिए 22 बार बजने में समय कितना लग रहा है 42 सेकंड का, ध्यान से देखो बेटा 22 बार बजने में समय कितना लगा है 42 सेकंड का, ये दिया गया कि 22 बार बजने में 42 सेकंड का समय लगता है। तो पूछा क्या गया है कि 8 बार बजने में कितना समय लगेगा, यही प्रश्न है, 8 बार बजने में कितना समय लगेगा। इस लैंग्वेज को याद कर लेना, इसमें ध्यान रखना एक छोटा सा हिंट किया जाता है, क्या, जैसे नॉर्मली लड़के गलती कहां करते हैं, मैं पहले उसको समझा देता हूं। देखिए नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं 1 बार बजने में, वो क्या करेंगे इस सवाल को 42 बटे 22 सेकेंड कर देंगे, यहीं पर आप गलत हो गए। अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा इस तरह के सवालों में, ये ध्यान रखिएगा। इस सवाल की लैंग्वेज को फिर से एक बार समझ लीजिए, ये सवाल की लैंग्वेज क्या है कि एक घड़ी को 22 बार बजने में 42 सेकंड लगते हैं। कहने का सेंस ये हुआ दोस्तों कि जब इस तरह के सवाल मिले तो क्या करोगे, देखो इस तरह के सवाल अगर मिले तो क्या करोगे, इसमें से जितना लिखा है उसमें से एक घटा दो, ठीक है, उसमें से एक घटा दो, यानी कहने का सेंस इसको कितना गिनोगे 21 बार का समय। ध्यान देना बेटा ये अपनी तरफ से करना है, वो बोलेगा नहीं, ये तुमको करना है इस तरह के सवालों में, जितनी बार बोले उसमें से एक माइनस कर देना, यानी 22 में से एक घटा दो तो कितना हो गया 21 बार, यानी ये जो समय दिया है वो 21 बार का समय है।
इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, उधर कोई चेंज नहीं होगा, चेंज इसमें होगा। जो भी यहां दिया रहेगा हम उसमें से एक घटा देंगे। तो देखो तो बेटा 22 बार की जगह आप कितनी बार गिनोगे, 21 बार, यानी 21 बार में 42 सेकेंड। तो ध्यान से देखो, एक बार में कितना, 2 सेकेंड, क्योंकि 21 जाके 42 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो एक बार बजने में कितना समय लग गया, देखिए बेटा आपके सामने है, एक बार बजने में कितना समय लग गया, 2 सेकेंड। अब देखो प्रश्न क्या था, 8 बार बजने में कितना समय लगेगा, ध्यान से देखना बेटा, चूंकि यहां भी एक कम किए थे ना, तो यहां भी 8 बोला है, लेकिन आप एक कम कर देंगे। तो देखिए पूछा है 8 बार बजने का समय, तो हम निकालेंगे देखिए कैसे, 2 सेकेंड मतलब एक बार का समय गुणे 7। ध्यान देना, यहां 8 था ना, तो बोलेंगे 8 का ही, लेकिन निकालते समय एक माइनस कर लेंगे, तो 8 की जगह कितना बचेगा, 7, और ये 7 दुनी 14 सेकेंड। ध्यान रखना बेटा 14 सेकेंड, यही आपका सही आंसर है। इन सवालों में इस तरह की लैंग्वेज को याद कर लीजिए एकदम से दिमाग में, क्योंकि ध्यान रखना बेटा, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक ही जगह पर 4 गेंदे रख दी, जरा मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना एकदम शांत दिमाग से, कुछ मत सोचिएगा, बस थोड़ी देर मेरी बात को सुनिए। मान लीजिए मैंने एक ही जगह पर 4 गेंदे रख दी और मैंने कहा बेटा घड़ी देखो, मैं चारों गेंद कितनी देर में फेंकता हूं, तो आप घड़ी कब चलाते हैं, ध्यान समझिएगा। मैंने 4 गेंद एक जगह रख दी और मैंने कहा आपसे कि बेटा मैं इन 4 गेंदों को फेंक रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे उठा के फेंकूंगा, आप घड़ी देखना और बताना कि मुझे ये 4 गेंद फेंकने में कितना समय लगा, आपको देखना है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा अब एकदम, यहां हड़बड़ी मत करिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि मैं 4 गेंदे रख रहा हूं अपने सामने, एक एक करके मैं चारों गेंद आपकी तरफ फेंकूंगा, आपको घड़ी देख के बताना है कि सर 4 गेंद फेंकने में आपको कितना समय लगा, यही बताना है दोस्तों। अब क्या करोगे, आप घड़ी कब चलाओगे, जब मैं पहली गेंद उठाकर फेंकूंगा, जैसे ही मैंने फेंका आप घड़ी चालू कर देंगे, है ना बेटा, ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं ना कि चला के बैठ जाएंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, घड़ी तब चालू करेंगे जब मैं पहली गेंद उठाऊंगा और आपकी तरफ ऐसे फेंका और आपकी घड़ी चालू, ठीक है ना, ध्यान देखना, और उसके बाद मैं चौथी गेंद फेंकूंगा तब आपकी घड़ी बंद, आप कहेंगे सर आपको इतना समय लगा, लेकिन ध्यान देना बेटा आपने घड़ी तब शुरू की थी जब मैंने पहली गेंद फेंक दी थी। ध्यान रखना आपकी घड़ी कब शुरू हुई, जब मैंने पहली गेंद फेंक दी, उसके बाद मेरा हाथ नीचे आया, दूसरी गेंद उठाया आपकी तरफ फेंका, तीसरी गेंद उठाया आपकी तरफ फेंका, चौथी गेंद उठाया आपकी तरफ फेंका, ये सारी टाइमिंग काउंट हुई, लेकिन पहले वाले की टाइमिंग काउंट नहीं हुई। तो बोलने के लिए आप यही कहेंगे कि सर 4 बॉल फेंकने में इतना समय, लेकिन रियल में पहला वाला तो काउंट ही नहीं हुआ था, केवल 3 बॉल का समय आपने बताया है हमको। तो ध्यान रखना बेटा बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगा है कि 22 बार में 42 सेकेंड, ध्यान देना 22 बार बजने के लिए 42 सेकेंड, यानी कि वो 21 बार की बात बता रहा है, तो हमने यहां से एक माइनस कर दिया, तो ये 21 बार का समय हो गया कितना, 42 सेकेंड। तो भैया एक बार का समय कितना हो गया, 2 सेकेंड। इसी तरह से 8 बार का समय पूछा गया था, लेकिन हम 8 बार का नहीं बताएंगे, 7 ही बार का बताएंगे, तो 7 दुनी 14 सेकेंड, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका, यानी कि कहा जाए तो 14 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना बेटा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। अगर कोई पूछता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 सेकेंड का समय लगेगा, ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे बिना टाइम लगाए हुए, फटाफट अगले सवाल पर जल्दी से तुरंत देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। देखिए प्रश्न क्या है, मैं आपके सामने कर दे रहा हूं, काफी बड़ा, काफी कायदे से दिखाई दे। देखिए ये रहा सवाल, पूछा गया है कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। सवाल यही है बेटा आपके सामने, कितने त्रिभुज हैं बताना है। इस डायग्राम में, डायग्राम दिख रहा होगा क्लियरली एकदम अच्छे से,
जल्दी से बताना है कितने त्रिभुज होंगे। अब देखो बेटा, अगर इस तरह के सवाल करने हैं तो क्या किया जाए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम, जब भी इस तरह का डायग्राम मिलेगा तो क्या करोगे, एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है इसके बारे में, फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी एक इस तरह में त्रिभुज पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं कि केंद्र से, ध्यान देना, इस केंद्र से जितनी रेखाएं जा रही हैं, देखिए केंद्र से, जितने बच्चे पहली बार है नोट कर लेंगे, केंद्र से जाने वाली रेखाओं की संख्या गुणे दो, यही है इसके अंदर त्रिभुज की संख्या। ध्यान रखना बेटा, यही है त्रिभुज की संख्या, ठीक है। अब देखिए, अगर इसकी बात करें इस डायग्राम की, तो यहां पर एक दो तीन चार, चार लाइनें गई हैं एक सेंटर से, तो यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, चार दुनी आठ। जैसे देखिए, ये वाला हिस्सा जो डायग्राम का हम लोगों का है सवाल का, ये वाले हिस्से को चेक करिए अगर, तो देखिए दोस्तों, यही तो डायग्राम है जो मैंने नीचे बनाया है, देखिए सेम यही डायग्राम तो यहां भी है, तो यानी कि इसमें से ट्रायंगल कितने हो गए, आठ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आपके सामने है। इसी तरह से अब इनको गिन लीजिए, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां सेंटर है, इस सेंटर से एक दो तीन चार पांच छह, थोड़ा सा रुकिए मैं रंग डार्क कर लूं जिससे आपको दिखाई दे, देखिए एक दो तीन चार पांच और छह, छह लाइनें गई हैं, तो छह यहां रख दोगे तो छह दूनी बारह यहां हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह देखो सेम यहां पर है, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह दूनी बारह, ये तो हम लोगों ने तीनों को अलग अलग गिन लिया। अब ये देखो बेटा, यहां पर पहले इन दोनों का ज्वाइंट देखा जाए, तो देखिए इन दोनों के जुड़ने की वजह से एक ट्रायंगल ये बना, इसी तरह से एक ट्रायंगल ये बना। ध्यान से देखना बेटा, दो हो गए, इसके बाद देखिए एक ट्रायंगल इतनी दूर में बना जो जोड़ की वजह से है, और यहां पर एक ट्रायंगल बना, तो यहां टोटल मिला के ज्वाइंट पर कितने लोग हो गए, चार लोग हो गए। इसी तरह से ध्यान दो, अब इधर देखा जाए, अब इन दोनों को मिलाइए, ठीक है, इधर का इनका काम हो गया, इनका काम खत्म हो गया, अब इन दोनों को देखा जाए, तो देखो बेटा यहां पर एक और इसी तरह से दो, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, है ना, जैसे यहां बीच में था, देखिए जैसे यहां पर बीच में था, देखिए ये वाला, जैसे यहां था ये दो, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, कहने का सेंस यहां केवल बीच में कितने हो गए, दो हो गए। अब बस दोनों को जोड़ दो बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 8, जोड़ दीजिए सबको, यही आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है, तो 12 4 16 16 12 28 2 30 और 8 38, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए बेटा, 38। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए हम लोगों के, 38, यही अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते चलिएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी 38 बिल्कुल सही आंसर होगा इस सवाल का। तरीका क्या था, फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो इस केंद्र से देखिए एक दो तीन चार, चार लाइनें गई, तो चार दुनी आठ ट्रायंगल यहां से हो गए। इसी तरह से यहां से देखो एक दो तीन चार पांच छह गया, तो छह दुनी बारह यहां पर हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो सेम वही यहां भी था, तो यहां भी बारह हो गया, तो देखिए ये तो अलग अलग हो गए। अब ज्वाइंट की बात करें तो देखो एक, ठीक है, इसी तरह से दो, ठीक है, तो दो लोग ये हो गए, इसी तरह से ये छोटे वाले दो लोग हो गए यहां पर, ठीक है, ये भी दोनों के ज्वाइंट पर बने हैं, तो दो और दो चार हो गया। और इसी तरह से अब इस ज्वाइंट पर आइए, तो देखिए यहां से एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर, तो दो लोग यहां पर हो गए। फाइनली सबको जोड़ दिया, टोटल मिला के हमारा आंसर कितना आया, 38, यानी ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे ऑप्शन बी पर गए बिल्कुल सही हैं आप, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 38। और जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इस तरह की आकृतियों में त्रिभुज कैसे गिनते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा,
ये बड़े काम की चीज होगी इस तरह की आकृति में कि केंद्र से जाने वाली रेखाओं की संख्या गुणे दो, यही है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी पे काम करना हो तो थोड़ा सा मैं एक दो एक्सरसाइज आपको और यहां कराता हूं जिससे आपको अच्छे से ये पॉइंट एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए एक दो एक्सरसाइज अब मैं इस पर आपको करवा देता हूं तुरंत यहीं पर। अब देखिए अगर इस पर एक्सरसाइज करने की बात की जाए, चलिए यहां ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। मान लिया जाए कोई डायग्राम ऐसे दे दिया गया, तो ऐसे दे दिया गया और बोला गया बताइए कितने त्रिभुज, तो अभी तक बिल्कुल आपने ऐसा ही ऊपर किया है। तो देखिए ये केंद्र हो गया, इस केंद्र से एक दो तीन चार पांच छह, कितनी रेखाएं गई, छह रेखाएं गई, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे कितने, 12 इस त्रिभुज में, ध्यान रखिएगा बेटा। इसी तरह से अगर यही डायग्राम ऐसा हो जाता, ठीक है, पूछा जाता कितने त्रिभुज, तो ध्यान से देखो बेटा यहां पर भी एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, तो भैया यहां नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाते, आठ दुनी 16 हो जाता, ठीक है बेटा। देखिए इस तरह के त्रिभुजों में कैसे त्रिभुज निकालते हैं वो आपके सामने है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान सा तरीका बिना कोई टाइम गंवाए हुए। जैसे मान लो अगर इस तरह की कोई आकृति आपको दे दी गई और कहा गया भैया कितने त्रिभुज, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई डायग्राम न समझ में आए तो तुरंत पहले अपने हाथ से उस डायग्राम को बनाना, जैसे ही बनाओगे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कितने त्रिभुज हैं, तुरंत पता चल जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही आसान सा तरीका समझा रहा हूं। अब देखो अगर कोई यहां पूछ ले कितने त्रिभुज, तो पहले इसको गिन लो, पहले दोनों को अलग अलग करके गिन लो और फिर ज्वाइंट कर देना। तो देखो बेटा अगर यहां गिनोगे तो एक दो तीन चार, यहां से हो गए चार दुनी आठ, ये हो गए। अब इसी तरह से यहां गिन लो एक दो तीन चार, यानी चार दुनी आठ, ये तो दोनों अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो तो गए, अब देखा जाए ज्वाइंट पर क्या है, क्योंकि देखो दो लोगों को जोड़ा गया है ना, तो देखो ये ज्वाइंट बना है, इस ज्वाइंट पर चेक करो, तो ध्यान से देखो बेटा एक और इसी तरह से दो, ठीक है, तो ज्वाइंट पर कितने आ गए, दो, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन तीनों को जोड़ दीजिए, यहां पर जो आठ है इसको भी जोड़ दिया जाए, तो आठ आठ 16 और दो 18, ध्यान रखना आठ आठ 16 और दो 18, यही है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इस वाले डायग्राम में जो नीचे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। एक दो और एक्सरसाइज देख लो इसी पे, इसी बहाने तुमको एकदम अच्छे से ये तैयार हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल दिमाग चलते रहना चाहिए, कहीं हाथ पेन रुके ना, नोट करते चलो फटाफट इन चीजों को, तभी ये सब हमेशा याद रहेंगे। अब देखिए जैसे मान लो किसी ने दे दिया आपको एक सवाल दिया गया कुछ इस प्रकार से, ये दे दिया जाए, मान लीजिए ऐसा कुछ एक सवाल दे दिया गया और पूछा गया कितने त्रिभुज, बताइए कितने त्रिभुज, लो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, अब और मजा आएगा क्योंकि थोड़ा सा संख्या ज्यादा हो गई। अब देखो दोस्तों अगर यहां त्रिभुज निकालना है तो फिर से वही काम है, दोनों को अलग कर दो, ज्वाइंट पर से दोनों को अलग कर दो, तो देखो बेटा अगर यहां गिना जाए तो एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि छह दूनी 12 इधर हो गए। अब इधर आ जाओ तो एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, तो आठ दुना 16 इधर हो गए। अब ध्यान से देखो बेटा दोनों को अलग अलग गिन लिया गया, अब इसके बाद दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो यहां ज्वाइंट हो रहा है, देखिए ये ज्वाइंट है इनका, अब इस ज्वाइंट से कितने त्रिभुज बने ये चेक करो, तो ध्यान से देखो बेटा, चलिए मैं कलर चेंज करता हूं जिससे आपको समझ में आए। देखिए एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा आपको पूरा बड़ा वाला, और इसी तरह से एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा एकदम, तो ध्यान से देखो बेटा दो तो ये हो गए, है ना, अभी पूरे नहीं हुए क्योंकि देखो बीच में भी ज्वाइंट है, यहां भी तो ज्वाइंट है, तो चलिए इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। जैसे मान लो अब इसको देख लो, ये देखिए इतनी दूर पे, जैसे ये रहा, देखिए ये हो गया इतनी दूर पे यहां से, और हाँ चलिए देखिए ये हो गया एक, और इसी तरह से नीचे वाला ले लीजिए दो, ठीक है, तो यहां पर दो और आ गए छोटे वाले, तो टोटल मिला के कितने हो गए, जोड़ दो सबको अब, तो 16 देखिए टोटल आंसर कितना होगा, 12 प्लस 16 प्लस 4, तो 16 4 20 और 12 32, ध्यान देना बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 32, बहुत ही आसान सा तरीका होता है
कुछ इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती, केवल ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने बढ़िया होते जाओगे। चलो मेरे हिसाब से आज के लिए पर्याप्त ये प्रैक्टिस है, आगे बढ़ते हैं, तुरंत अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों बिना टाइम गंवाए हुए। हम लोगों का अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए ये है आपका अगला प्रश्न जो कह रहा है कितने वर्ग हैं, बताना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस त्रिभुज में, जो आपके सामने एक वर्गाकार आकृति दिख रही है, बताना है इसके अंदर कुल कितने वर्ग हैं। सवाल है कितने वर्ग हैं, जल्दी से जवाब देना है इसका भी। ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है, इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो पीछे नहीं हो, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो पीछे नहीं पढ़ा गया। पिछली वीडियोस में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं इस तरह के, आज फिर से इसको रिकैप करूंगा आपके लिए कि आपको याद रहे ये सारी चीजें। जैसे देखिए बेटा अगर यहां काम किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने क्या किया, पहला काम जितने कॉलम है सबको गिन लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। सारे कॉलम गिनने के बाद अब क्या करेंगे, इसी तरह से अब रो को गिन लो, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए रो। अब ध्यान से देखो बेटा, कॉलम मैंने ऊपर गिन लिए, रो इतने हो गए, बताना है कुल कितने वर्ग हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, वर्ग का तरीका मैंने पीछे भी बताया है, फिर से रिपीट करता हूं। देखो आखिरी कॉलम, आखिरी कॉलम ले आके जोड़ा जाएगा किसके साथ, आखिरी रो के साथ, ध्यान रखना आखिरी कॉलम जोड़ा जाएगा किसके साथ, आखिरी रो के साथ, यानी 5 के साथ, ध्यान रखना बेटा। और लिखोगे कैसे, तो इसको लिखेंगे ऐसे 7 × 5 प्लस, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह चलते जाइए, 6 को किसके साथ जोड़ेंगे, अब ऐसे ही चलते जाना है, तो 6 का जोड़ा देखो बनेगा किसके साथ, 4 के साथ, यानी 6 × 4 प्लस, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे चलते जाओ जब तक कि कोई एक तरफ का खत्म ना हो जाए, तो देखो बेटा अब इसी तरह से 5 का जोड़ा किसके साथ बनेगा, 3 के साथ, तो 5 × 3 प्लस, अब देखो तो बेटा 4 का जोड़ा बनेगा किसके साथ, 2 के साथ, तो 4 × 2 प्लस, अब देखो 3 का जोड़ा बनेगा 1 के साथ, तो लिखा जाएगा 3 × 1। अब बस इनको जोड़ दो, यही है वर्गों की संख्या, बस कुछ नहीं करना है, तरीका समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट करता हूं। ध्यान रखना जितने रो और कॉलम है काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग करने के बाद आखिरी का जोड़ा किसके साथ बनेगा, आखिरी के साथ, ध्यान रखना। तो यहां 7 है, यहां 5 है, तो 7 × 5, इसी तरह से 6 का जोड़ा 4 के साथ बनेगा, तो 6 × 4, इसी तरह से 5 का जोड़ा 3 के साथ बनेगा, 5 × 3, इसी तरह से 4 का जोड़ा 2 के साथ बनेगा, तो 4 × 2 देखिए, और इसी तरह से 3 का जोड़ा 1 के साथ बनेगा, तो 3 × 1, बस अब सबको जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे आप तो 35, 24, 15, 8, 3, ठीक है दोस्तों, अब बस इसको जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो 35 और 24, 59 यानी 59 प्लस 15 तो 64 प्लस 74 और 8 तो 82 और 85, कितना हो गया टोटल 85। अपने ऑप्शन में आइए और फटाफट खोजिए 85 कहां है। तो देखिए दोस्तों 85 पहला ही ऑप्शन हम लोगों का है, जितने बच्चे इसके साथ गए हैं बिल्कुल सही गए हो, 85 इज द राइट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है, 85 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक दो एक्सरसाइज और मैं इस पे दे देता हूं जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा और कुछ समझाऊंगा इस पर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं इसको साफ करता हूं और कुछ सवाल और हम लोग इस पे लगा लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए क्या है ये, है ना। तो चलिए देखा जाए, जरा एक दो और एक्सरसाइज लेते हैं इसी पर। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया हम लोग से पूछा जाए कि बताइए कितने वर्ग हैं, मान लो इसमें पूछा जाए कितने वर्ग हैं यानी कितने स्क्वायर,
यही बताना है इस आकृति में। तो क्या करना है, मैंने अभी बताया पीछे, बस फटाफट रो और कॉलम गिनिए, ठीक है ना दोस्तों, रो और कॉलम गिन लीजिए, गिनने के बाद में आखिरी कॉलम आखिरी रो से मिलाइए, ठीक है। तरीका क्या है समझ लीजिए, तरीका यह है कि आखिरी कॉलम किससे मिलेगा, कि आखिरी रो से मिलेगा। लिखा कैसे जाएगा, तो चार गुणे तीन, इसी तरह से देखो बेटा, तीन को मिलाओ दो के साथ, तो तीन मिलेगा दो के साथ, तो तीन गुणे दो, इसी तरह से दो को मिलाओगे किसके साथ, एक के साथ, तो लिखा जाएगा दो गुणे एक। अब सबको कंप्लीट कर लो, बारह छ दो, तो बारह छ अठारह और दो बीस, यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस डायग्राम पर। फटाफट देखिए, समझते चलिए, ज्यादा समय नहीं, एक और इस पर एक्सरसाइज देंगे, फिर तुरंत अगले सवाल में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसको समझ लिया, मिटाता हूं, फिर अगला सवाल लेते हैं, एक और एक्सरसाइज देख लो इस तरह की, और फिर तुरंत आगे बढ़ जाया जाए। जैसे मान लो किसी ने इस तरह का एक डायग्राम दे दिया, जैसा यहां दिया हुआ है, मान लो ये, ठीक है, और पूछ दिया गया फिर से वही सवाल, कितने वर्ग हैं, बताना है वर्गों की संख्या बताइए। अब देखिए दोस्तों क्या करोगे, फिर से वही काम, नंबरिंग करो फटाफट, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, है ना दोस्तों। अब देखिए आखिरी कॉलम आखिरी रो से, तो चार का जोड़ा किसके साथ बना, पांच के साथ, तो लिखा चार गुणे पांच, प्लस आखिरी का जोड़ा ऐसे ही बनता जाएगा, देखो तीन का जोड़ा चार के साथ, इसी तरह से दो का जोड़ा तीन के साथ, बिल्कुल बस ऐसे ही चलते जाओ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं इसमें, बस पीछे से ऐसे चलते जाना है। और इसी तरह देखो एक का जोड़ा दो के साथ बन जाएगा, ये हो गया, बस इसको जोड़ दीजिए, काम खत्म। तो ये हो गया बीस बारह छः दो, जोड़िए भैया, बीस बारह बत्तीस, बत्तीस और छः अड़तीस और दो चालीस, यानी इसमें कुल कितने वर्ग हो गए, चालीस हो गए। मेरे हिसाब से अब ये पॉइंट एकदम दिमाग में क्लियर हो गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, तुरंत अगले सवाल पर आ जाएंगे। अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला था, इसके बाद से आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर छह, ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर छह आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक बार पीछे देख लिया जाए कौन सा सवाल हमने लगाया था उसको देख लीजिए जल्दी से। देखिए ये सवाल हुआ था क्वेश्चन नंबर पांच, ठीक है ना, और इसका सही आंसर आया था क्या, 85, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल दिख रहा होगा, पूछा गया है तीन से चार बजे के बीच दोनों सुइयों में कब पांच मिनट की दूरी होगी। प्रश्न समझ में आ गया होगा, प्रश्न में पूछा गया है कब पांच मिनट की दूरी होगी, समय क्या है भैया, तो देख लीजिए तीन से चार बजे के बीच, मतलब तीन बजे से शुरू करना है और चार बजे तक में यह देखना है कि कब दोनों सुइयों में पांच मिनट की दूरी होगी। तो कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, जितने बच्चों ने नहीं देखा फिर से वीडियो को देखेंगे, मैं फिर यहां लिख भी दे रहा हूं। देखिए फॉर्मूला है यम बराबर दो बटे ग्यारह थर्टी इंटू एच वन प्लस माइनस थीटा, यही फॉर्मूला है बेटा आपके सामने। अब देखिए इसको रखने के लिए आपको एच वन चाहिए, देखिए इसके लिए आपको एच वन चाहिए और थीटा चाहिए। तो ध्यान से देखो एच वन का मतलब होता है प्रश्न में दिया गया पहला घंटा, तो देखिए यहां पहला घंटा कितना दिया है तीन, तो एच वन का मान हो गया तीन। अब पूछा गया है थीटा बताइए, तो देखिए थीटा का मतलब जो दूरी है वो एंगल में चाहिए, दूरी किस में चाहिए, एंगल में चाहिए, तो देखिए यहां दूरी कितनी बोली गई है पांच मिनट, दूरी कितनी बोली गई है पांच मिनट। और घड़ी में मैंने पहले भी बता रखा है इस बात को कि घड़ी में एक मिनट का मान कितना होता है छह डिग्री, ये ध्यान रखिएगा, जितने लोगों का न पता हो इसको नोट कर लेंगे कि घड़ी में एक मिनट बराबर कितना होता है छह डिग्री होता है बेटा। अब एक मिनट बराबर छह डिग्री है तो पांच मिनट को एंगल में बदल दो, तो पांच मिनट को जब एंगल में बदलोगे तो पांच छके तीस हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हो गया बेटा 30 डिग्री हो गया। ध्यान से देखो बेटा मैं फिर समझा रहा हूं, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए जब भी
इस लैंग्वेज के सवाल मिलेंगे, जैसा सवाल ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। जब भी इस तरह के सवाल मिले तो इसको लगाने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है एम वाला। एम बराबर होता है 2/11 30 × H1 ± θ, जहां H1 है प्रश्न का पहला घंटा। तो पहला घंटा कितना दिया है 3, तो H1 बराबर हो गया 3, और दूसरा चाहिए था थीटा, तो थीटा का मतलब है बीच की दूरी लेकिन एंगल में, थीटा का मतलब एंगल में। तो देखिए यहां बीच की दूरी कितनी पूछी गई है 5 मिनट, कभी कभी एंगल ही दे देता है कि कब 30 अंश का कोण बनेगा, तो हमारा काम आसान हो जाता कि थीटा बराबर 30 हो जाता डायरेक्ट। लेकिन चूंकि यहां एंगल नहीं दिया है तो हम इसको एंगल में बदल देंगे, तो एंगल में जब आप बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री के, तो 5 मिनट बराबर 5 × 6 = 30 डिग्री हो गया। अब उठा के फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दो, बस यही करना है और कुछ नहीं। अब देखिए अगर इसको फॉर्मूले में रख दिया जाए तो यम बराबर 2/11 30 × 3 ± 30, ठीक है, सब कुछ मैंने पुट कर दिया। अब देखो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। तो यम बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 2/11 और देखिए 30 × 3 = 90 ± 30। अब यहां से क्या करोगे बेटा, तो देखो यहां पर चूंकि 2 साइन है ना, देखिए अगर देखा जाए तो यहां पर कितना साइन है, देखिए यहां पर 2 साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो अब हम लोग इसको 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। देखिए कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ देखिए बेटा अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अब यहां से आगे का सॉल्यूशन मैं आपको यहां दिखाता हूं। देखिए पहला काम प्लस ले लें, फर्स्ट पहले वैल्यू निकालें, तो पहले के लिए 2/11 90 और कितना है प्लस, प्लस लेते हैं पहले, ठीक है ना, और बाद में माइनस ले लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो देखो बेटा 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 120, 120 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 120 दुना 240/11 हो जाएगा, है ना। देख कुछ नहीं किया मैंने, बस मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और कुछ इसमें अलग से नहीं कर रहा हूं, ये नहीं सोचना कि सर ने क्या कर दिया। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा तो आया 120, 120 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 120 दुना 240, अब इसको 11 से डिवाइड कर दो, तो अब इतना तो आप लोगों को मैथ आती होगी कि देखिए 11 दुनी 22 हो जाएगा, ठीक है, और तीन यहां पे बचेगा कितना 2, तो 2 बचेगा तो यहां पर एक, देखिए ये 2 बचेगा और 2 बचेगा तो ये 0 लेके 20 हो जाएगा, तो 20 को 11 से भाग दोगे तो 11 × 1 = 11, शेष बच गया 9/11 मिनट हो गया, ठीक है दोस्तों। और आगे समय लग जाएगा 3, जो पहला समय होता है वही लगाते हैं। तो देखो बेटा एक आंसर आपका ये आ चुका है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा जब भी ऐसा प्रश्न हो तो प्लस और माइनस दोनों निकाला जाता है, तो ये प्लस का मान हो गया। अब आते हैं दोस्तों माइनस वाले सवाल पे, तो देखिए दोस्तों दूसरा वाला, तो ये हो गया 2/11 90 − 30, ठीक है ना। अब देखिए प्लस हो गया था माइनस ले लिए, अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 60, और 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, किसमें 2 में, तो 60 दुना 120 है ना, और 120/11 हो गया, ठीक है बेटा ये समझ में आ गई होगी बात। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10 सही 10/11 मिनट और आगे लगा देंगे 3, तो ये हो गया 3/10 सही 10/11 मिनट। आपके 2 आंसर आ चुके हैं, एक ये समय है देखिए आपके सामने, एक हम लोगों का देखिए एक ये समय है जो दिखाई दे रहा है और एक ये समय है, ये दोनों समय अब चल के ऑप्शन में देखा जाए क्या दिया है ऑप्शन, है ना। अब ऑप्शन देखा जाए एक बार, हम लोगों के जो ऑप्शंस हैं जरा चेक करिए, देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूं। चलिए देखिए इसको मैं यहां लिख लेता हूं ऑप्शंस को, देखिए एक आंसर हम लोग का आया था 3/21 सही 9/11 मिनट, एक आंसर था, और दूसरा आंसर था 3/10 सही 10/11 मिनट,
ये दो आंसर हम लोगों के आए थे। अब जरा अपने ऑप्शनों को चेक कर लीजिए जल्दी से, किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो पाएंगे कि देखिए यहां पर 3:10 सही 10:11 यहां दिया है और 3:21 सही 9:11 यहां दिया है, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो ध्यान देना ये मिनट नहीं है, ये और है ना, ये है और। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों, इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों मान हमारे ऑप्शनों में हैं। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ कि सर बी और सी दोनों। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ रहा होगा अच्छे से, एकदम सिस्टमैटिकली नोट करते चलिए। नहीं समझ में आता वीडियो को फिर से देखिए, नहीं समझ में आता फिर भी तो कमेंट करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक बताइए इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट अगले सवाल पर आता हूं मैं। देखिए अगला सवाल हम लोगों का ये रहा, एंगल का सवाल है, बहुत सारे सवाल एंगल के हुए, उसी में से एक सवाल ये भी आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 11:55 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बता दो। प्रश्न क्या है, देखो भैया समय दिया है 11:55, ये समय है, बताना है थीटा क्या होगा। तो इसको मैंने पिछली वीडियो में शॉर्टकट में बता रखा है। देखिए 11:55 यानी दोनों सुइयां एकदम बराबर दिखेंगी, और बराबर दिखेंगी तो हम डायरेक्ट कर सकते थे क्या, मैंने बताया था वीडियो में पिछली कि इसका आधा, तो 55 का आधा सीधा सा है 27.5, यही आपका आंसर है बेटा, ठीक है ध्यान रखना है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर कितना हो गया। देखिए ध्यान से, तो इसका सही आंसर है 27.5°। अब कई बच्चे ऐसे होंगे अरे सर हम तो नहीं थे क्या करें, चलो बेटा आपके लिए मैं फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूं। थीटा बराबर 60 × h, मैंने शुरू में बताया है इस तरह का एक सवाल, 11 × m/2, बस यहां वैल्यू रखिए सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। यच की जगह देखिए ये है यच और ये है यम, दोनों को रख देना है और रख के सॉल्व कर देना है। देखिए कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं, अगर यच की जगह 11 रख दें तो 11×66 यानी 660 डिफरेंस, यम की जगह पर कितना रख दें 55, तो 55 अगर यम की जगह रखोगे तो 55 × 10 = 550 और 55 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 605 दोनों के बटे दो, है ना। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो दोनों को जब आप अंतर निकालेंगे बेटा तो ये आएगा 55 और 55/2 = 27.5, यही आपका आंसर है। देखिए आपके सामने सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया, उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग लगा चुके हैं, अब मैं आगे बढ़ूंगा तुरंत अगले सवाल पर। सवाल आपके सामने हो चुका है ये वाला, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है दोस्तों फटाफट देखा जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि अब इस तरह के सवाल हम लोग लगा चुके हैं, बहुत बार ये सवाल हो चुके हैं। ये एक सवाल अभी आप लोगों ने इस तरह का नहीं लगाया, ये सवाल देखिए एक आपके सामने है मिरर इमेज और वॉटर इमेज पर आधारित, ये रहा एक सवाल आपके सामने देखिए स्क्रीन पर। ये सवाल कह रहा है कि एक घड़ी में 4:35 का समय हो रहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है भाई, समय कितना हो रहा है, तो 4:35 का समय हो रहा है, ठीक है, और बोला गया है तो क्षैतिज दर्पण में, ध्यान से देखो बेटा किस दर्पण में, क्षैतिज दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा। ध्यान से देखिए क्षैतिज दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं क्षैतिज दर्पण का फॉर्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से। क्षैतिज दर्पण का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 18:30 - दिया गया समय, ये है फॉर्मूला। फटाफट नोट कर लेंगे कि जब भी आपसे क्षैतिज दर्पण की बात होगी, किसकी बात होगी, क्षैतिज दर्पण की, तो ध्यान रखना दिए गए समय को 18:30 से घटा देना। कहने का सेंस देखिए 18:30 को इसमें से किसको घटाएं, 4:35 को घटा दीजिए,
तो कितना आएगा, देखिए यहां हो जाएगा, इससे एक हासिल कैरी हो जाएगा, यहां 60 हो जाएगा, तो 60 30 90, 90 में से 35 घटेगा तो 55, और यहां हो गया 17 में से 4 गए तो 13, तो 13:55 यानी कहें तो 1:55, यही आपका सही आंसर है। देखिए 13:55 को हम 1:55 भी लिख सकते हैं। सवाल में देखिए फटाफट, देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, क्षैतिज दर्पण को ही जल प्रतिबिंब भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जल प्रतिबिंब, तो ध्यान रखना क्षैतिज को ही कहा जाता है क्या, जल प्रतिबिंब, ठीक है। चाहे वो जल प्रतिबिंब पूछे, चाहे वो क्षैतिज दर्पण पूछे, दोनों ही परिस्थितियों में यही फॉर्मूला चलेगा कि दिए गए समय को 18:30 से घटा दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1:55 ही हमारा सही आंसर होगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाएगा, बिना टाइम गंवाए हुए अगले प्रश्न पर आएंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब अगले सवाल पर आया जाएगा तुरंत, इसको जल्दी से नोट कर लेना है फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, ध्यान रखना बुकों को में दिया नहीं है, इसको एकदम नोट कर लेना है कि जब भी क्षैतिज दर्पण पूछे चाहे जल प्रतिबिंब पूछे, दिए गए समय को 18:30 से घटा देंगे। अब देखिए दोस्तों एक और सवाल, घड़ी का सवाल है, लेकिन ये जनरल बेसिस सवाल है, हम लोगों के साथ इस तरह की बातें पर डे होती हैं। देखिए ये रहा, ये सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बोला गया है एक रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 90 मिनट पर, ध्यान दीजिए 90 मिनट पर एक ट्रेन लखनऊ जाती है, ठीक है भैया। नेहा को स्टेशन, देखिए प्रत्येक 90 मिनट, ये गौर करिएगा, एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन का समय 90 मिनट का है, इस बात को ध्यान रखना है। नेहा को स्टेशन पहुंचने पर क्लर्क ने बताया कि अभी 8:25 हो रहे हैं, यानी नेहा कब पहुंची है, लिख लिया जाए नेहा के पहुंचने का समय है 8:25 AM, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। आप पिछली ट्रेन से कितना लेट हो गई हैं, 25 मिनट, देखिए देर से आए हो, 25 मिनट लेट हो चुके हो, यानी पिछली ट्रेन कब जा चुकी है। तुरंत देखिए कुछ नहीं करना, बस इसकी लैंग्वेज को पढ़ते जाओ और करते जाओ। उसने बोला है एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन का गैप कितना है, 90 मिनट, और नेहा जब स्टेशन पर पहुंची है तो उनको क्या बोला गया है कि अभी 8:25 हो रहे हैं, यानी जब नेहा पहुंची है तो 8:25 हो रहा है, पिछली ट्रेन जो थी वो इनसे 25 मिनट पहले निकल गई, ठीक है, पिछली ट्रेन इनसे 25 मिनट पहले निकल गई, यानी कि पिछली ट्रेन का जो समय होगा वो इसमें से 25 मिनट घटा दो, तो माइनस अगर 25 कर दोगे तो भैया पिछली ट्रेन कै बजे चली गई, 8 बजे, सीधी सी बात है, पिछली ट्रेन कै बजे चली गई, 8 बजे, क्योंकि ये 25 मिनट देर आई है ना, यानी कि 25 मिनट पहले पिछली ट्रेन जा चुकी है, यानी पिछली ट्रेन का समय हो गया सुबह के 8 बजे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बताइए कि नेहा को अगली ट्रेन अब कितने बजे मिलेगी, अब कितने बजे मिलेगी ये बताना है, यानी अगली ट्रेन का समय क्या होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, दो ट्रेनों का गैप कितना है, 90 मिनट ना, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे, 1.5 आवर है ना, 1 घंटे 30 मिनट। तो देखो पिछली ट्रेन कै बजे गई है, 8 बजे, तो भैया अगली ट्रेन कब होगी, तो अगली ट्रेन का समय, अब देखिए इसी में 90 मिनट जोड़ दीजिए, तो 90 मिनट जब आप जोड़ देंगे तो ध्यान से देखो 1.5 घंटे का अंतर है ना, यानी कहने का सेंस 9:30, यही आपका सही आंसर होगा कि सर अगली ट्रेन 9:30 बजे मिलेगी। ऑप्शन पे आ जाइए, देखिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 9:30 AM और PM का ख्याल रखिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, 9:30 यही हमारा सही समय है, लेकिन सुबह का 9:30, शाम का नहीं, ये ध्यान रखना है दोस्तों, यही आपका आंसर है। मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, एक बार फिर से देखना, नहीं समझ में आता है जरूर आएगा, नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट, बिना समय गंवाए हुए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, आपके सामने पूछा गया है कितने आयत हैं,
देखिए ये सवाल आपके सामने है, पूछा गया है कितने आयत हैं बताइए, इसमें आयत बताने हैं, आयतों की संख्या बतानी है, जल्दी से बताना है कितने आयत हैं। अब देखिए कैसे किया जाएगा इसको, आपने बहुत सारे वर्ग आयत के सवाल मैंने करा डाले आपको, देखा जाए अब कितना तैयार हुआ आपको, चलिए देखते हैं इस सवाल में। देखिए सबसे पहला काम मैंने बता रखा है रूल 1 2 3 4 5 है ना, और जब आयत की बात हो रही है तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ लो, ये 3 हो गया, इनको जोड़ दो तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1, मतलब इन सबको जोड़ देना है ऐसे। जब आयत की, ध्यान देना किसकी बात हो रही है, आयत की, तो आयत में ये काम करेंगे कि नंबरिंग करके जोड़ देंगे, तो देखिए 2 और 1 3 और इनको जोड़ दो तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, ये हो गया आयत पूछा गया है। तो देखिए आयत निकालने का तरीका क्या है, जोड़ने पर जो भी आया है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, देखिए इसका 15 और इसका 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 15 3 45, यही आपका सही आंसर है आयत का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 45 सही जवाब होगा इस सवाल का जो आपके सामने स्क्रीन पर है। कैसे निकाला गया देख लीजिए, जब भी इस तरह की आकृति हो तो फटाफट नंबरिंग करना है, जोड़ देना है रो और कॉलम को, और जोड़ने के बाद दोनों का मल्टीपल कर देना है। तो देखिए 15 यहां था, 3 वहां था, 15 तीन कितने हो गए 45 हो गए, यही आपका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं तुरंत अगले सवाल पर, और ये हम लोगों का आज का आखिरी सवाल, ये हम लोगों का आज का आखिरी सवाल है, जल्दी से देखिए इसको और फिर आज का टॉपिक कंप्लीट होगा इतने पर, ठीक है ना। बीच में काफी एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, बीच में काफी एक्सरसाइज हुई, ध्यान रखना है इसको, ये रहा आज का आखिरी प्रश्न, इसको मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, चलो इस सवाल को आप लोग लगाओ, इस तरह का सवाल मैंने ऊपर बताया है, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लगाइएगा और मेरे को कमेंट में जवाब भेजिएगा क्या होगा सही। प्रश्न क्या है समझ लीजिए, 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयों में कब समकोण बनेगा, जिसने लैंग्वेज पिछली पढ़ी होगी उसको ये क्लियर हो गया होगा कि कब समकोण बनेगा, यही बताना है, ठीक है, कब समकोण बनेगा। तो चलिए कुछ हिंट मैं दे देता हूं, देखिए यहां H1 हो गया 5 और थीटा हो गया समकोण का मतलब कितना बेटा 90 डिग्री, ये दो चीजें हो गई, फॉर्मूला आपको बताना है कौन सा लगेगा और सॉल्व करके मेरे को इसका जवाब चाहिए आपसे, क्योंकि इस तरह के काफी सवाल मैं बता चुका हूं, अब देखा जाए आपने कितना कैप्चर किया मेरी बातों को, ठीक है दोस्तों। तो आज का मैं क्लास यही खत्म करता हूं, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, है ना, सवाल को देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, इस पे हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे, और आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, कोई कमी नहीं करनी, जो सवाल नहीं आता उसे कमेंट में जरूर भेजिएगा, जवाब जरूर मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अगली क्लास के साथ आपसे फिर मिलूंगा कुछ बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले सवालों के साथ कुछ बेहतरीन फिर से प्रश्न आएंगे, धन्यवाद।